हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ चैप्टर फर्स्ट विच इज नोइंग आवर नंबर्स। सो इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट न्यू टॉपिक विच इज एस्टिमेशन, मीन्स एस्टिमेशन, एस्टिमेट करना इन चीज़ों की। सो इन दिस क्लास इन एस्टिमेशन वी स्टडी अबाउट राउंडिंग ऑफ अ गिवन नंबर। So here is topic rounding of a number to the nearest tens. जिन्हें round off करना है number को उसके tens place पे nearest ten, मतलब जो tens place पे जो भी number है उसे को round off करना है। So here is three rules for rounding of a given number to the nearest ten. So the rule number one says that consider the ones place digit of the given number. Now rule number second is if वंस प्लेस डिजिट इज लेस देन फाइव, इफ वंस प्लेस डिजिट इज लेस देन फाइव कॉमा रिप्लेस वंस डिजिट बाय जीरो एंड कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर। नाउ नंबर थ्री इज इफ वंस प्लेस डिजिट इज फाइव और मोर देन फाइव देन इंक्रीज टेंस डिजिट बाय वन एंड रिप्लेस वंस डिजिट बाय जीरो। So now we'll explain one by one. Rule number one says that consider the ones place digit of the given number. क्या करना है, जो भी digit आपको given है nearest tens तक आपको round up करना है, तो first place पे जो भी digit है उसे आप consider करेंगे, उसे आप ले लेंगे। फिर next step में करेंगे कि अगर उसका ones place less than है five से lesser है हमेशा, तो जो आपका जो ones place है उसको रिप्लेस कर देंगे जीरो से, नंबर कुछ भी होगा 1 2 3 4। अब फाइव से लेस है 1 2 3 4 होगा, उसको रिप्लेस करेंगे जीरो से एंड कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर और अदर डिजिट्स को सेम वैसे ही रहने देंगे। नाउ रूल नंबर थ्री से दैट इफ वन प्लेस डिजिट इज फाइव और मोर देन फाइव, दैट मीन्स अगर आपका जो वन प्लेस की जो भी डिजिट है वो फाइव है या फिर फाइव से ग्रेटर है, अधिक है, मोर है, देन इंक्रीज टेंस डिजिट बाय वन, तो आप क्या करेंगे टेंस डिजिट को इंक्रीज कर देंगे वन से, मतलब आप वन एक ऐड कर देंगे तो इंक्रीज हो गया आपका बाय वन एंड रिप्लेस वन डिजिट बाय जीरो और इसमें जो है आपका वन डिजिट को जीरो कर देंगे और टेंस में रिप्लेस कर देंगे वन से। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, द एग्जांपल इज राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। जो भी आपको राउंड ऑफ करना है गिवन नंबर को नियरेस्ट टेंस पे उसका एक एग्जाम्पल देते हैं। सो एग्जाम्पल एस्टिमेट द सम ऑफ 64 एंड 89 टू द नियरेस्ट टेंस। एग्जाम्पल क्या है आपका, एस्टिमेट करना है सम ऑफ 64 एंड 89। यहाँ पर आपकी दो आपके दिए गए नंबर्स, फर्स्ट है आपका 64 और सेकेंड है आपका 89, इसको क्या है नियरेस्ट टेंस पे एस्टिमेट करना है और इन दोनों का सम निकाल। सो द सॉल्यूशन इज हियर, फर्स्ट वी राइट 64, वी एस्टिमेट 64 एंड 89 वन बाय वन एंड देन द रिक्वायर्ड सम। सो फर्स्ट 64 इज 64 इज एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट नियरेस्ट टेंस इक्वल्स। अब क्या 64 को एस्टिमेट 64 इज एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट टेंस, दैट मीन्स जो आपका ये वंस प्लेस पहले कंसिडर करेंगे या फोर है। अब सेकेंड स्टेप क्या बोला था उसमें, हाउ आपका जो रूल है उसका सेकेंड रूल था कि जो आपका फर्स्ट डिजिट है आई मीन जो वंस प्लेस पे अगर वो लेस देन है फाइव से, तो आप टेंस वाले को वन से रिप्लेस करते हैं, वन ऐड करते हैं और फोर और जो फर्स्ट डिजिट है वंस प्लेस पे है उसे आप जीरो से रिप्लेस करते हैं। सो 64 इज एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट टेंस इक्वल्स टू, अगर 64 है आपका तो ये बन जाएगा आपका 60 जो है वो 60 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था इसको आप जो है फोर था वंस प्लेस पे ये ऐसे रहेंगे अदर डिजिट और इस डिजिट को आप रिप्लेस करेंगे जीरो से। नाउ नेक्स्ट 89, सो 89 इज एस्टिमेटेड टू द
nearest tenth equals to, अब क्या है आपका 89 जो है estimated to the nearest tenth, अब 89 estimate कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, वन स्पेस पे 9 है आपका जो कि 5 से ग्रेटर है, तो आप वन टेंथ प्लेस को वन से प्लेस करेंगे, वन ऐड करेंगे, और जो आपका फर्स्ट डिजिट उसको जीरो से प्लेस करेंगे, तो जो नंबर बिकम्स 19। सो द रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड सम, क्वेश्चन आपका क्या बोला था कि सम एस्टिमेट करना है, सम ऑफ किसी 489 को नियरेस्ट डेंस के, अब नियरेस्ट डेंस तो आपका निकल गया है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को सम फाइंड करेंगे। सो द रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड सम एस्टिमेटेड सम इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका 16 और प्लस 19 इक्वल्स टू 150। सो आप कहोगे एस्टिमेट कर दें नियरेस्ट टेंथ से फर्स्ट और सेकेंड को भी टेस्ट करेंगे, फिर इन दोनों का जो एस्टिमेटेड वैल्यू आई थी मेरी उन दोनों का सम निकालेंगे, तो आपके सम आपके हो जाएंगे 16 प्लस 19 विच इज 150। थैंक यू।